हेलो स्टूडेंट्स, आई होप तुम सब लोग घर पे सेफ हो और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे हो। मैं आज जो लेक्चर लेने वाला हूँ दैट इज़ कॉस्टिंग, और जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये जो टॉपिक है वो ग्रुप 1 में भी है, ग्रुप 2 में भी है, तो दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ, कॉमन है। ग्रुप 1 में सिर्फ 20% है, वेयर एज ग्रुप 2 में ओवरऑल जितना भी है सब कुछ है। तो जब कभी भी ग्रुप 1 का कंप्लीट होगा मैं तुम लोगों को बता दूंगा, तो जो भी ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स हैं उतना देखने के बाद उन लोगों का वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। नेम ऑफ द टॉपिक इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वॉट वेरियंस एनालिसिस। अब सवाल ये है कि सर वॉट इज वेरियंस? वेरियंस का मतलब होता है डिफरेंस। वेरियंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन वॉट? स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। तो जो भी डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस। उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरियंस। वेरियंस जो है ना वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है फेवरेबल और नेगेटिव का मतलब होता है एडवर्स। मीन्स वॉट? जैसे मान लो अगर मैंने सोचा था 10 रुपये खर्च होंगे कॉस्ट और हुआ 12 रुपये, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 रुपये ज़्यादा खर्च हो गए, जिसको हम लोग बोलेंगे एडवर्स। है ना, ये कॉस्ट के बारे में। अगर मैंने बोला सेल्स, 100 रुपये का सेल्स सोचा था, हो गया 110। कम सेल्स हुआ कि ज़्यादा हो गया? तो 10 का हो जाएगा फेवरेबल। फेवरेबल मतलब अच्छा और एडवर्स मतलब बुरा, जो सोचा था उसका अपोजिट हो गया। जैसे अगर मैं और एक एग्जांपल ले लूँ कॉस्ट का, 10 रुपये खर्चा सोचा था, हुआ 9। बताओ खर्चा कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? कम हुआ। तो बताओ फेवरेबल हुआ कि एडवर्स हो गया? फेवरेबल हुआ। कितने का फेवरेबल हुआ? 1 रुपये का। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन से वेरियंसेस देखने वाले हैं। इफ यू रिमेम्बर हम लोग ने एक टॉपिक किया था प्रॉफिट रिकन्सिलेशन, है ना, रिकन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट्स करके कॉस्टिंग में टॉपिक किया था, राइट। उसमें हम लोग क्या करते थे, दोनों के प्रॉफिट को रिकनसाइल करते थे और ये फाइंड आउट करने का कोशिश करते थे कि जो भी प्रॉफिट में डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यों आया, राइट। कौन से दो प्रॉफिट्स थे? एक थे कॉस्ट का प्रॉफिट और एक था फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट। कॉस्ट का प्रॉफिट बोले तो कॉस्टिंग के हिसाब से, एंड फाइनेंशियल का बोले तो एक्चुअल, राइट। सेम वे यहाँ पे भी हम लोगों को स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों के बीच में जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यों आ गया वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे कौन कौन से वेरियंसेस हम लोग देखने वाले, लेट्स सी। सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले वो है प्रॉफिट। क्या देखने वाले? प्रॉफिट। प्रॉफिट वेरियंसेस अगर मैं बात करूं तो वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक होता है कॉस्ट और दूसरा क्या होगा फटाफट बताओ? सेल्स। क्योंकि जब हम लोग सेल्स में से कॉस्ट माइनस करेंगे तभी तो प्रॉफिट मिलेगा, राइट। अब इसको कॉस्ट को अगर मैं और थोड़ा डिवाइड करूं तो उसमें और 3 पार्ट हो जाएंगे। एक होता है मटेरियल, मटेरियल के वजह से प्रॉफिट में फर्क होता है। दूसरा है लेबर और तीसरा है ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स में 2 पार्ट है, एक है वेरिएबल ओवरहेड्स और दूसरा है फिक्स्ड ओवरहेड्स, राइट। तो ये सब जो भी हम लोग सोचते हैं जो एक्चुअल में होता है दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो इतने सारे हम लोगों को वेरियंसेस यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो अगर मैं काउंट करूं कि कौन कौन से वेरियंसेस है यहाँ पे, तो 1 इज प्रॉफिट वेरियंस, दूसरा है सेल्स वेरियंसेस, कॉस्ट वेरियंस नहीं है क्योंकि वहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे मटेरियल वेरियंसेस, लेबर वेरियंसेस, ओवरहेड्स नहीं है तो वहाँ पे रहेगा वेरिएबल ओवरहेड का वेरियंसेस एंड फिक्स्ड ओवरहेड का वेरियंसेस। तो अगर मैं बात करूँ तो इन ऑल इस चैप्टर में हम लोगों को 1, 2,
चार, पांच और छह, टोटल सिक्स टाइप के वेरिएंसेस हम लोगों को कवर करने हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मटेरियल वेरिएंसेस से। आज के इस कॉन्सेप्ट में मटेरियल हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मैं ग्रुप वन का बात करूं, ग्रुप वन का, तो ग्रुप वन में सिर्फ ये दो वेरिएंसेस है, मटेरियल एंड लेबर। ग्रुप वन में सिर्फ ये दो वेरिएंसेस है, मटेरियल वेरिएंसेस एंड लेबर वेरिएंसेस। वेरेज ग्रुप टू में सब कुछ है। ओके, सो लेट्स सी, आ जाते हैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज योर मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंसेस, ओके। अब मटेरियल वेरिएंसेस में कितने फॉर्मूलेस हैं? पहली बात, मटेरियल वेरिएंसेस का मतलब क्या होता है बताओ फटाफट। जो मटेरियल का कॉस्ट सोचा था, जो मटेरियल का कॉस्ट हुआ, कॉमन सेंस से दोनों में डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे मटेरियल वेरिएंसेस, राइट। अब जो मटेरियल वेरिएंसेस है उसके अंदर हम लोग कौन कौन से फॉर्मूलेस देखेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, बराबर है। अब सवाल यह है कि ये जो मटेरियल का कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है उसके क्या रीजंस है? तो कॉस्ट में देयर आर टू रीजंस। एक है मटेरियल रेट वेरिएंस, मटेरियल रेट को हम लोग प्राइस वेरिएंस भी बोल सकते हैं, और दूसरा है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। आई नो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बट सिर्फ फिलहाल देख लो, आगे आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। क्या होता है? क्वांटिटी। फिर इसी को हम लोग और दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वन विल बी मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और दूसरा है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ओके, तो हम लोग इन शॉर्ट मटेरियल वेरिएंसेस में ये सब वेरिएंसेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन ऑल टोटल कितने फॉर्मूलास हो गए इसके अंदर? कॉस्ट एक, रेट दो, यूसेज तीन, राइट, फिर मिक्स चार, और यील्ड, यील्ड का मतलब क्या होता है? आउटपुट। तो इन ऑल टोटल हम लोग ये पांच कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, वो समझने का कोशिश करते हैं, लेकिन उस एग्जाम्पल में हम लोग सिर्फ ये तीन फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दो फॉर्मूलेस हम लोग उसके बाद वाले एग्जाम्पल में कवर करेंगे। ओके,